जो भी ऐसी छोटी चीजें हो ना जो नॉर्मली बंदे को नहीं पता होंगी, मतलब आप भी ना करते तो कोई ना पकड़ पाता, राइट। और उसके बारे में आप जरूर बताना। सो हमने अभी लेमिनेट फ्लोर यहाँ पे यूज किया है, लेमिनेट किया है जी। सो वी कुड हैव गॉन फॉर इंजीनियर्ड आल्सो, बट द कॉस्ट अगेन इज ऑलमोस्ट 3 times मोर इन एन इंजीनियर। अच्छा, welcome to this new video. So we are with Satinder Chawla, who is a very dear friend. He's been a client, he's been a friend, and he happens to know real estate very well because he has a wooden flooring business. I think he does work on wooden facades, windows, and he understands construction very well. और हुआ क्या कि इनका ये प्लॉट है यहाँ पे गुड़गांव में, which he is building and he's taking care of many many small things. So we had a discussion कि क्या करें, मेरे को यार कवर करना है कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। तो ये बता रहे थे इसका ध्यान रखना है उसका, तो मैंने कहा इसका एक वीडियो शूट कर देते हैं। एंड सो हियर वी आर विद साक्षात चावला। तो ये हमें दिखाने वाले हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने क्या क्या सेफगार्ड्स लिए हैं। शायद कुछ चीज़ें रह भी गई हैं, मुझे पता नहीं, अभी देखेंगे क्या चीज़ें ठीक हैं क्या चीज़ें ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से साउथ दिल्ली से क्या अलग है, बट मेन पॉइंट इज किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक बिल्डिंग बनते हुए, अगर आप बनवा रहे हो या बिल्डर से भी खरीद रहे हो। और अगर और कोई पॉइंट्स होंगे जो शायद मेरे माइंड में बिल्कुल ही नहीं है तो ये बता देंगे। श्योर, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज लाइक इन निर्वाणा, अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, एंड विल शो यू द लोकेशन ऑल्सो लेटर ऑन, बट टू स्टार्ट विद, एंड दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, यू डन अ वेरी गुड जॉब आई थिंक। थैंक यू। मैंने भी अभी आके देखा है, आने से पहले नहीं देखा था। Done a very good job, and there's a lot of things I love here. A lot of things which are different from South Delhi. शायद कुछ चीजें मेरे टेस्ट के हिसाब से हैं और कुछ थोड़ी कम हैं। Sure, totally understand. वो भी हम डिस्कस कर लेंगे if you don't mind. Of course. Okay, coming to the facade, आपने ये ग्रे वाली फसाड ही क्यों चुनी? वैसे अच्छी लग रही है, बहुत लाइट ग्रे, वाइटिश ग्रे है, फिर डार्क ग्रे है, बीच में वो वुड के भी वो हैं, नीचे लाइट्स जो जल रही हैं बहुत अच्छी लग रही हैं। सो कोई कंप्लेंट नहीं है, बट बहुत लोग कर रहे हैं ये। सो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। एस्थेटिक्स में देखें तो ग्रे और जो वुड का कलर है जो काइंड ऑफ अ ब्राउन एज अ कॉन्ट्रास्ट, इट्स वेरी मच हाईली इन वोग इन यूरोप दीज डेज। ओके, ठीक है। सो आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स, दे हैव अ वेरी सेंस ऑफ हाई सेंस ऑफ एस्थेटिक, दे आर इंस्पायर्ड बाय सच प्रोजेक्ट्स। सो वी वांट आल्सो वांट टू क्रिएट समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज कि लो मेंटेनेंस होना चाहिए। हाँ, वो भी मेरे माइंड में था कि ये आपने कर तो दिया इतना सुंदर सा ग्रे टेक्सचर पेंट, पर अगर कल को ये खराब कभी तो होगा, 5 साल, 10 साल, 15 का, या पता नहीं शायद 2 साल में हो जाता है या 10 साल में हो जाता है। अगर 2 में हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पर अगर 10-20 साल में होता है तो आई गेस इट्स डिफरेंट। या सो हमारी जो हमने जो रिसर्च करी तो वी फाउंड जो ये वाला कोटिंग है, जो टेक्सचर्ड पेंट्स हैं, दे आर द लोएस्ट मेंटेनेंस वंस, दे लास्ट द लॉन्गेस्ट, कॉस्ट द लीस्ट इन टर्म्स ऑफ दोबारा से जब मेंटेनेंस पे बिल्डिंग आएगी। At one point in time, of course, आएगी, आप कुछ भी लगाएंगे वो आएगी। हाँ, ठीक है, पत्थर भी लगा दोगे, टाइल भी लगाओगे आप, at one point in time it will come, ठीक है। But the point is कि क्या कॉस्ट अभी है, क्या कॉस्ट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, और कितना टाइम फ्रेम। तो इट्स अ वेरी ड्यूरेबल कोटिंग। टिम्बर जो हमने यूज करी है, जो वुड यूज करी है, एज वी टॉक बिफोर, नो मेंटेनेंस ओवर देयर। लाइटिंग ऑल्सो वी यूज्ड जो इजीली रिप्लेसेबल हो, लॉन्ग टर्म के अंदर अवेलेबल हो आराम से पार्ट्स। तो हमने वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फसाद को डिज़ाइन किया। एंड द आइडिया वाज टू मेक समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट, व्हिच लुक्स नाइस, इज मॉडर्न एंड कंटेम्परेरी। Right. Okay. So this does look modern and contemporary. My only point is, यहाँ मुझे इतना नहीं पता, जैसे साउथ दिल्ली तो आधी ग्रे हो चुकी है इस टाइम पे। काफ़ी लोगों ने किया, मुझे ये भी नहीं पता कि हर कोई सेम क्वालिटी कर रहा नहीं कर रहा, पर अगर ग्रे वाला ही ये जो काम है या टेक्सचर वाला हो, कोई और कलर भी हो, बेज भी होता है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल लास्ट बिफोर इट इज़ एब्सोल्युटली नीडेड कि इसको दोबारा से करो? सी वी लुक्ड एट द मटेरियल्स के 10 साल तक हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो 10 साल जनरली स्पीकिंग, 10 है तो 8 तो चली जाएगा, पर 8-10 साल आप सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। सो वी डन taken a lot of care कि भी हमारे को दोबारा से मेंटेन करने की जरूरत है। As I said, we were making it कि जैसे मुझे रहना है। Which is very good. Okay, okay, okay. और ये जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हम थोड़ा सा साथ वाली बिल्डिंग्स पे जाएं तो वहाँ देखें तो ये जो लगा हुआ है ये लकड़ी भी नहीं है। This is all different. हाँ, जैसे ऐसे गुड पॉइंट अगर आप वो देखें साथ में, इसको हाई प्रेशर लैमिनेट कहते हैं साथ वाली बिल्डिंग। ये भी जल्दी खराब तो नहीं होता? खराब नहीं होता, बट ये जब एक बार खराब होगा तो सिर्फ आपको रिप्लेस करके फिर नया लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये फेड होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सेकेंडली जो लुक और फील है नेचुरल वुड के अंदर और इसके अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस अगर आप खुद देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट। सिर्फ आपको जब भी अगर आपको रीफिनिश करने की जरूरत पड़े 10-15-20 साल बाद, अगर आपने एक कोट ऑफ ऑयल कर दिया इसके ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर कोई अपने लिए बिल्डिंग चुन रहा है या अपने लिए कंस्ट्रक्शन चुन रहा है या बिल्डर फ्लोर देख रहा है और वो सोच रहा है यार ऐसा वाला लूँ वैसा वाला, तो एक चॉइस तो ये होगी। दूसरा आप क्या रिकमेंड करोगे कि किस किस तरह की फसाड्स बेटर हैं? एक वो ब्रिक वाली आती है, वो भी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जी, वो भी बड़ी अच्छी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एस्थेटिक एंड इफ यू लाइक दैट, दैट इज वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स देखेंगे उसमें भी ब्रिक्स की बहुत सारी क्वालिटीज है। अच्छी ब्रिक लेंगे और अच्छा लगाने वाला होगा, दोनों चीज़ों के अंदर। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी क्लासिक, लास्ट वेरी लॉन्ग, लुक्स वेरी प्रिटी। और अगर और क्या सजेस्ट करोगे आप? So then there are other materials, like materials आते हैं, thin tiles आती हैं आज की डेट में। Laminamin is one of those brands, Italian brand है, उसके equivalent बहुत सारे Indian brands आने शुरू हो गए। So you can just choose a good tile, thin tile, वो use हो सकती है। Of course stone use होता है, but that is like very costly there। तो कोई भी material अगर आप choose करें, you have to understand the pros and cons, कितने time में आएगा। There are other materials also there। It's just a question of aesthetic and the budget. Okay। क्या ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कोई बंदा builder floor खरीद रहा है या बना रहा है अपना घर भी, तो ऐसी क्या चीज़ है कि यार इसमें मत पड़ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है? सो मैंने देखा जो टैकी टाइल्स हैं, जो सस्ती वाली जो टाइल्स हैं, दे डोंट लुक सो ग्रेट। कोई भी मटेरियल अगर आप ले लेंगे, इफ़ यू जस्ट लुक ओवर हियर ऑल्सो, अगर WPC में भी आप सस्ते वाले WPC में जाते हैं, दे जस्ट लुक बैड। आपको दिखता है कुछ ही टाइम के अंदर आपको दिख जाएगा कि पैसे बचे हुए, कहीं ना कहीं पैसे बचाए। और कई लोग जैसे पूरी वाइट कलर की बिल्डिंग पेंट कर देते हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल, बट मैंने ये देखा कि वो दिल्ली में क्या है, वो पानी हल्का सा ड्रिप होता है, उस पर लाइनें लूने बन जाती हैं। आई थिंक वो हर साल पेंट या हर 2-3 साल में शायद पेंट भी कराना पड़ता है, उसमें मेंटेनेंस थोड़ी और ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली, उसमें ऑफ कोर्स लाइट कलर है, ज़्यादा होएगी मेंटेनेंस आपकी। जो आपने पानी की डिटेल बताई कि पानी गिर जाता है, तो जब ये आर्किटेक्चरल डिटेल है, जब आप कर रहे होते हैं उस समय ड्रिप होल्ड्स वगैरह बनते हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि पानी गिरेगा। अगर वो कर रखे हो तो नहीं होगा, मतलब अगर वो कर रखा होगा तो बिल्डर ने उस समय ध्यान रखा होगा उस बात का कि वो पानी पेंट पे ना जाए, डायरेक्ट नीचे गिर जाए। ओके, बट इट इज हायर मेंटेनेंस कंपैरेटिवली। ओके, ओके, एक्सीलेंट। ये आपने थोड़ा सा ऊपर क्यों बनाया हुआ है? कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है मतलब सड़क से? सो बट वी सॉ दिल्ली का एग्जांपल अगर हम ले लें, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, जो कार्पेटिंग है सड़कों की वो ऊपर होती जा रही है। ओके, एज कम्पेयर टू अब्रॉड, जहाँ पे पूरी वाली नीचे वाली पहले टूटती है फिर नहीं आती है, ताकि आपका जो ग्राउंड लेवल है वो बराबर। अच्छा, तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं गुड़गांव में गर्मी में वुलन जैकेट पहन के आया हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। I would be very very grateful। अभी भी नहीं किया यार, करो ना, कर क्यों नहीं रहे? Okay, let's continue। कोई particular point जो आपने आपके mind में हो कि बड़ा important है, जो सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए? मतलब मैंने जब इसको construct किया तो मैंने इस हिसाब से बनाया कि जैसे मैं रह रहा हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ों में दिक्कत आ रही है जहाँ पे मैं currently रह रहा हूँ। एंड इन जनरल हमने बहुत सारे लोगों को सर्वे भी किया, so particularly housewives, you know, सर्वे क्या मतलब? बेसिकली उनसे चेक किया कि जब आप एक जगह पे रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक इस फ्लोर पे रह रहे हो, राइट, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है? ओके, तो व्हाट वुड यू विश कि भाई ऐसा होता तो बहुत बेटर होता। हाँ, सो वन ऑफ द मोस्ट यू नो कमेंटेड अपॉन थिंग्स वाज स्टोरेज। ओके, ठीक है, तो हाउसवाइफ्स के लिए जनरली कंप्लेंट थी कि भाई पर्टिकुलरली व्हेन दे बाइंग अ फ्लोर तो एक लिमिटेशन हो जाती है स्पेस की, स्टोरेज की। ओके, तो इसमें हमने खास ख्याल रखा है कि जब हमने वार्डरोब्स वगैरह करी, किचन किया, कैबिनेट, तो हमने कहीं भी जगह को छोड़ा नहीं, वेस्ट नहीं किया कि हम कहीं से यू नो कोई कॉर्नर कट कर लें, कॉस्ट को कम कर लें, तो इंटेंशन वो नहीं थी। तो जहाँ हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हाँ, वहाँ हमने करी है। सो सॉरी टू कट यू देयर, ये साउथ दिल्ली में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि आप ज़्यादा स्टोरेज बना लेते हो ना तो कमरे छोटे लगते हैं। तो बिल्डर की भी लिमिटेशन रहती है कि यार ज़्यादा स्टोरेज बनाएंगे तो कमरे छोटे लगेंगे, और नॉर्मली स्टोरेज हमेशा ही कम पड़ती है। You know, you're buying a floor worth 6 to 16 or even 26 crores or whatever। 5-10 करोड़ की आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो स्टोरेज तो कम से कम होनी चाहिए, पार्किंग तो कम से कम होनी चाहिए। तो हम एक बार स्टोरेज को जरूर कवर करेंगे। Sure। और जो भी ऐसी छोटी चीज़ें हो ना जो नॉर्मली बंदे को नहीं पता होंगी, मतलब आप भी ना करते तो कोई ना पकड़ पाता, right। और उसके बारे में आप जरूर बताना। सो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, दिस अ वेरी लो कॉस्ट सोल्यूशन। सो अगर हम यहाँ देखें अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो साफ नहीं है पूरा, बट कोई नहीं तो ठीक है राइट। सो अगर आप ये देखें, इसको हमने ये जॉइंट्स को सील करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये व्हाइट अगर आप देख रहे हैं, हाँ हाँ, दिस इज बेसिकली अ सीलेंट व्हिच इज आउटडोर ग्रेड सीलेंट। तो नॉर्मली क्या है, ये बिल्डिंग का जंक्शन है। जंक्शन मींस लाइक यू नो जो आपका वर्टिकल सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ मिल रहा है। अच्छा, तो नॉर्मली केस के अंदर जब वो टाइल वाला टाइल लगा रहा होगा तो वो उसको सीमेंट के साथ भर देते हैं। अच्छा, बट व्हाइट सीमेंट के साथ भरा इसलिए जाता है कि कल को जैसे ये यहाँ पे बारिश का पानी गिरेगा या इसकी सफाई होगी तो आपका थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो कॉर्नर से अंदर रिश्ता रहता है। जब यहाँ से अंदर पानी जाएगा तो आपको बाहर बिल्डिंग के इस एरिया में फ्लिकिंग होती दिखेगी। हाँ, वो फूल जाता है जैसा ज़्यादातर बिल्डिंगों में फूला हुआ है साउथ दिल्ली में। वो छोटी सी एक डिटेल है कंस्ट्रक्शन की, ओके, तो जिसका ध्यान रखने से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वंस यू सेल दिस प्रोडक्ट, यू नो, जैसे अगर सपोज मैं रहने आ गया इसके अंदर तो इसकी एक लाइफ होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना यूवी एक्सपोजर है, कितनी धूप पड़ रही है, डायरेक्ट नहीं पड़ रही, यू नो। ओवर द ईयर्स द होम ओनर माइट नीड टू दोबारा से इसको कराने की जरूरत पड़ सकती है 5 साल में, 7 साल में, 10 साल। तो क्या बहुत महंगी चीज़ है ये? नो नो, बहुत रीजनेबल है। इनफैक्ट मतलब लुकिंग एट कि कैसे बिल्डिंग बाहर से अगली लगती है, हाँ, उसके कंपेयर में तो कुछ कॉस्ट ही नहीं है जब आप रेनोवेट करोगे, फसाड को सारी करोगे। पर मैंने देखा बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो आप कह रहे हो बाहर से फूल जाता है, बहुत सारी में मेरे ख्याल से मैक्सिमम उसमें फूला होता है। तो मैं बस सोच रहा हूँ शायद या तो दो चीज़ें होती है, या तो बिल्डर को पता नहीं होगा या वो पैसे बचा रहा होगा। तो पैसे कितने लग जाते होंगे मोटा मोटा एक बैल्कनी में? 1 लाख रुपए का खर्चा है? ज़्यादा नहीं, बहुत कम है, इससे बहुत कम है जी। सो जो सीलेंट की बॉटल्स आती हैं 200-300 रुपए की बॉटल आती होगी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट कॉस्ट बट यू कैन फाइंड आउट। मतलब 4-5 हज़ार रुपये लग जाता होगा टोटल, पॉसिबली डिपेंड उनके कितना आपका एरिया है। ठीक है, इसी बहुत इससे भी कम होगा ऑब्वियसली। वो आपका कितना मटीरियल लगा प्लस उसकी लेबर कॉस्ट, पैसे तो नहीं बचते बेसिकली। पैसे बचने की इट्स मोर अबाउट नॉलेज या फिर इंटेंशन टू आल्सो डू द थिंग प्रॉपर्ली। इंटेंशन से ज्यादा मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादातर लोग अच्छा काम करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि यू नो कोई भी कस्टमर आके किसी को कोई परेशानी हो या खुद भी वो घर में रह रहा था उसको दिक्कत हो। आई थिंक नॉलेज इज फर्स्ट थिंग, सर्टेनिटी होना उस बात पे कि हाँ रियली ये सोल्यूशन है, रूट कॉज। ओके, तो ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि जो बहुत सारे बिल्डर्स बना भी रहे हैं तो उन्होंने भी करके सीखा है। देर आर नो स्कूल्स विच टीच यू कि अच्छा डे 1 पे कैसे करना है। ठीक है, इफ़ यू हैव एंगेज्ड अ वेरी गुड आर्किटेक्ट देयर जो आपको, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है आपकी। मैं बिल्डिंग ट्रेड से हूँ तो हम लोग यू नो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स कर ही रहे होते हैं, वुड फ्लोर्स वगैरह हम करते हैं, तो अच्छे घरों में काम कर रहे होते हैं। सो मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो आई जस्ट गो इनटू डीप यू नो डेप्थ देयर। तो देयर आई फाउंड आउट कि भी ये जो कॉमन इशूज़ हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर दिखती हैं तो वो क्यों हैं। जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो आई सी यू नो वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, आई सी इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। और अच्छा आपको एक्सपोजर है तो आप कर भी पा रहे हो शायद सारे। अगर मैं बिल्डिंग बना रहा होता शायद मुझे ना पता होता। अच्छा, तो अब ये जो है ये सारे बिल्डर्स आजकल यूज़ करना शुरू कर दिया। आई थिंक इट इज़ वेरी मच बेटर रैशनल देन वुड, क्योंकि ख़राब क्रूप नहीं होती। पर ये यूपीवीसी है कि ये वो है एलुमिनियम है? ये एलुमिनियम है जी। ओके, मेरा इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल बट राइट। सो व्हाई एलुमिनियम, व्हाई नॉट? वन, एस्थेटिकली अगर हम देखें तो दिस अलाउज फॉर थिनर सेक्शंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बीच का देखो, अगर इसको बंद करें यहाँ पे तो बंद होने के बाद बीच में आपका सिर्फ इतना व्यू जा रहा है। सो आप मैक्सिमम लाइट के लिए एरिया छोड़ रहे हो। अगर यूपीवीसी में करेंगे तो ये आपकी जो बीच की प्रोफाइल है ये भी मोटी होगी और ये साइड वाली भी यू नो थिक होगी, ये वाली प्रोफाइल। ओके, दिस इज वन आइडिया। सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम है तो इससे थोड़ा व्यू भी कम रुक रहा है। अगर ये मोटा होगा तो मॉडर्न जो आज की डेट में कंस्ट्रक्शन हो रही है इट्स लाइक मोर क्लीन, मोर ओपन, उस व्यू पॉइंट के हिसाब से। तो ये महंगा है या यूपीवीसी महंगा है? ये महंगा पड़ता है जी इससे, बट इट इज मच मोर वैल्यू बिकॉज एल्यूमिनियम लाइफ लॉन्ग चीज़ है आपकी। इनफैक्ट यू नो यू डिसमेंटल द बिल्डिंग आफ्टर 30-40-50 ईयर्स, तब भी आप एल्यूमिनियम जब स्क्रैप में जाएगा तो कुछ देके जाएगा। यूपीवीसी भी 10-15 साल की तो गारंटी दे देते हैं। वो 10-15 साल की बात है। ओके, ये लाइफ लॉन्ग आप बात कर रहे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो ये बेटर है। कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता होगा इफ यू कैन शेयर? और डिपेंड्स लाइक आप कैसे करें। तो फ्रॉम 20-25% टू 30-40% ऑल्सो in the basic materials. There are even much more expensive materials in aluminum, but of course we are not talking about apple to apple करें जो UPVC builder normally लगाता है. So I'd say like between 30-40%. 30-40%. Yeah. Does it become a lot in the whole building for a builder to see everything counts because आप हर चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो you have to also take in care in account कि आप किस target audience को you know address करना चाहते हैं। तो आपको you'll have to actually make a choice between के कहाँ पैसे खर्चे और कहाँ wisely पैसे को बचाया जाए बिना क्लाइंट की यू नो सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस किए। कहीं तो लिमिट भी डालनी पड़ेगी ना, कहीं डालनी पड़ेगी आपको। देयर इज नो लिमिट, राइट। अच्छा, सो आई नो यू हैव दिस स्पेशलिटी ऑफ वुड एंड आई नो यू लव वुड एंड यू हैव अ बिग बिजनेस अबाउट वुड। तो ये वुड है कि ये WPC? क्योंकि ये सारे WPC लगाते हैं कि खराब प्रूफ हो जाती है करके। ये WPC है, वुड है। सो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आपके। अगर नॉर्मल लकड़ी ली जाएगी तो वो खराब हो जाती है। नॉर्मल मतलब बहुत सारे बाजार के अंदर वेंडर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कीर्ति नगर गए, कीर्ति नगर से आपने लकड़ी खरीदी और आपने सोचा बाहर लगा देते हैं, बट जब आप बाहर कोई भी मटेरियल कहीं भी यूज कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उस मटेरियल को क्या रिस्क है, किस चीज को एक्सपोज होगा। अगर बाहर की हम बात करें, चलो ये तो छत के नीचे लग रही है, यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रही, बट कीड़ा हो सकता है, राइट। ह्यूमिडिटी बहुत है, बाहर काफी ह्यूमिडिटी है, बरसात होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अगर लकड़ी लगा रहे हैं तो लकड़ी उन जो थ्रेट्स हैं उन सबको हैंडल करने के लिए होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट है, दिस इज एक्चुअली टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट, हम न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करते हैं। सिंस मेरी लाइन है, मुझे पता है, एंड आई एम पैशनेट अबाउट इवन यू नो अपने प्रोडक्ट के बारे में और कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो वी यूज दिस प्रोडक्ट हियर। ये है वुड, दिस इज 100% प्योर रियल वुड, वारंटीड अगेंस्ट टर्माइट्स। जब हम ये बना रहे थे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मेंटेनेंस पे कोई चीज आए ना, कोई बाद में किसी को तंग ना होना पड़े। इस पे टर्माइट नहीं लगता, ना टर्माइट लगेगा, ना ये फेड हो रही है। हमने एप्लीकेशन भी तो करनी पड़ती होगी, कोई जरूरत नहीं इसको पॉलिश करने की। अगर आप 10-15 साल बाद आप टेक्सचर पेंट हमने किया है, ये भी बहुत लो मेंटेनेंस है, अगर आप इसके ऊपर कभी रीफिनिश करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं फ्रेशन अप। कोई जरूरत नहीं, ना ये फेड होगी, बिल्कुल जैसी आप सीधी देख रहे हैं ऐसी रहेगी, कीड़ा नहीं लगेगा इसको। सो कस्टमर के लिए इट्स अ जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट। सो दिस लुक्स बेटर देन WPC, बट व्हाई नॉट यूज WPC? बट ज्यादातर बिल्डर्स आज की डेट में वही यूज करते हैं, बिकॉज़ दैट इज प्लास्टिक। आई एम नॉट अगेंस्ट प्लास्टिक्स, बट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुड एंड रियल प्लास्टिक। सी जो नेचुरल वेरिएशन, जो खूबसूरती है असली लकड़ी की, यू नो दिस इज 5 times मोर एक्सपेंसिव देन WPC। बाय द वे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये लाइट्स भी जो यूज किए हैं, ये पॉइंट रहना जाए, ये ना एंटी ग्लेयर की हुई है, तो जैसे वो आगे की लाइट्स ऐसे लग रहा है अभी जली नहीं हुई, वो भी ऑन है, और जब आप यहाँ से आपको ऐसे दिखेंगे नहीं। सो इन द नाइट ऑल्सो इट लुक्स वेरी नाइस। जैसे जैसे आप आगे आओगे आपको दिखेगा ये एक्चुअली ऑन है, राइट पर ये आपको वहाँ से नहीं दिख रही। तो सर भी एंटी ग्लेयर है, तो हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है, यूजर कंफर्ट के हिसाब से क्या क्या यूज करना चाहिए। तो एंटी ग्लेयर, आंखों पे एकदम से ग्लेयर ना पड़े। आप लाइट करना चाह रहे हैं बट आप एस्थेटिकली करना चाह रहे हैं कि एकदम नॉट इन योर फेस काइंड ऑफ अ थिंग। So it's subtle, smart, and I would say it is this small things which make a larger difference. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग लगे रहते हैं, अरे जी पत्थर कौन सा लगाया बिल्डिंग में, ये पैसे कितने लगाए एक अलग बात है, आपने आइडियाज क्या यूज किया, कॉम्बिनेशन क्या किया, which is that is very good. बाकी चीजें भी एक बार कवर कर लेते हैं, but this is very nice. Just in a nutshell, अगर मैं WPC पे 100 रुपए लगाता, ऐसी एक बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए लगाता फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी कंपेयर? As I said, हमारे वाले प्रोडक्ट की 5 times. तो ये मतलब 5 गुना है उससे। बाजार में दूसरी लकड़ी भी मिलती है जो WPC के बराबर होगी। यू नो आती है लकड़ियां, थर्मोपाइन वगैरह आती है बाजार के अंदर। अपना घर बनवाना हो, वो जाए बिल्डर को बोले कि जी वहाँ पे तो चावला साहब ने तो वो लगाया था, हमें वो लगा के दो, तो ये पता होना चाहिए 5 गुना महंगा है। हाँ, सो देखिए आप जब बिल्डर के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाएंगे, ऑफ कोर्स ही इज देयर टू डू बिजनेस, ही वो प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो उनको। तो मेरे ख्याल से अगर आप लगा रहे हो पर 5-6 करोड़ के फ्लैट में, मेरे ख्याल से शायद बिल्डर नहीं लगाएगा, जायज नहीं है उससे मांग, नॉमिनी नहीं लगाएंगे। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कस्टमर भी बात को समझे तो कोई बिल्डर क्यों चाहेगा कि कोई वो 19 चीज लगाए। हाँ, मतलब अगर आप बिलिंग को, आप बिल्डर को बोल दो, हाँ, बात 100 रुपए का कर रहा था, मैं 400 रुपए देता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्चुअली रिव्यू द अपार्टमेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एज अ प्रॉपर्टी गाय इन साउथ दिल्ली, राइट? इज दैट ओके? या ओके, गुड। तो जैसे अच्छी बातें ये है कि जैसे आपने ये मोल्डिंग वगैरह जो बनाई है, दिस इज वेरी क्लीनली डन, द कलर स्कीम इज वेरी गुड, जो भी ये शेड है एग्जैक्ट, ये जो मोल्डिंग्स हैं, राइट, जो स्विचेस के साथ जो कलर्स का कॉम्बिनेशन लिया है बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ये बीच में वुडन लुक भी दिया है, राइट, दिस इज वेरी वेरी गुड। ओवरऑल फैंटास्टिक फॉर मी पर्सनली, एंड मे बी फॉर, हो सकता है कि जो मेरे थोड़े से क्लाइंट्स हैं जो शायद थोड़ी इससे ज़्यादा हाई एंड प्रॉपर्टीज, हायर सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में भी जाते हैं, उनके लिए जैसे अगर आप इसको देखो, थोड़ा सा गोल्डन मेरे को हल्का सा ज्यादा लगा, राइट, थोड़ा कम होता तो शायद बेटर होता, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू कंपेयर अ लोकेलिटी इन ग्रेटर कैलाश व्हिच इज सिमिलर प्राइस टू दिस, राइट, दिस इज वेरी नाइस एंड दिस इज मोर आस्क्ड फॉर आल्सो, बट से इफ यू गो टू वसंत विहार तो थोड़ा सा इससे और सटल हो सकता है। वैसे अच्छा, जैसे आपने AC का देखें तो भाई ये DC इन्वर्टर AC 5 star रेटिंग लगाई, भाई कोई नहीं लगा। 2 star 3 star जो सबसे सस्ता AC डाइकिन का आता है वही लगाते हैं, राइट। सो दिस इज और अगर आप अपना घर बना रहे होगे तो आप शायद ये लगाओगे, राइट, है ना। हैविंग सेड दैट, क्योंकि यहाँ सीलिंग हाइट ठीक ठाक है, इफ आई वाज बिल्डिंग माई ओन होम हेयर और इफ आई आस्क्ड यू टू बिल्ड माइन, आई वुड से या तो VRV कर दो जो सेंट्रलाइज सा दिखता है, राइट, या फिर शायद कसेट कर दो, वो सीलिंग के अंदर फिट हो जाता है, क्योंकि क्या ना यहाँ वॉल थोड़ी सी या जा रही है, कवर हो गई, अब यहाँ पे स्क्रीन लगानी हो या पेंटिंग लगानी हो, मतलब थोड़ा सा हो जाता है। तो आपने वो नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा जी उसको हमने। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप VRV कर रहे हैं तो you're looking at the servicing cost. So what happens is during summer times when there is peak season, उस समय क्या होता है कि if there is some glitch with the system, you are dependent on the company at that time. और being peak season, वहाँ servicing time के delays, we've experienced those. We've heard about that. नहीं पर कैसेट तो लगे सकते हैं जो वॉल में। कैसेट के अंदर भी देखने में देखिए aesthetics is one thing. Of course it looks more beautiful, no doubt about it. ठीक है, it saves space, all those things are there. But servicing के time पे when a person comes और वो हाथ लगा रहा होता है, आप हर टाइम सामने नहीं होते हैं, योर हाउस हेल्प इज देयर, वो मेंटेनेंस कर रहा है उस समय, कोई एसी को खोलना पड़ रहा है उसको कुछ भी करने के लिए, तो आपने देखा होगा छत पे एसी के साथ यू स्टार्ट टू सी दोस ब्लैक मार्क्स। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया पर होगा। राइट, सो नेक्स्ट टाइम अभी तो लगने शुरू हुए हैं। हाँ, तो आप यूज्ड घर में देखिए इसको, अच्छा ये कैसा होता है। ठीक है, सो देयर इज अ प्लस, देयर इज अ माइनस, सो यू टेक अ कॉल। और कॉस्ट वाइज दे आर मोर एक्सपेंसिव, बट यू नो जब कैपिटल कॉस्ट होती है शुरू के अंदर आप लगा रहे हैं, इट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो मैंने जैसे बोला कि जब इसको बनाने के पीछे ये यू नो थॉट प्रोसेस था कि जब खुद रहेंगे तो क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया। राइट, सो आई डिडंट वांट टू गो ओवरबोर्ड ऑन थिंग्स जो सिर्फ देखने में सुंदर लग रही है और प्रैक्टिकली। ठीक है, अब जो आप नेक्स्ट बिल्डिंग बनाओगे उसमें यही यूज करोगे या नॉट नेसेसरली, डिपेंड्स कि किस टारगेट ऑडियंस को हम करना चाह रहे हैं। इफ देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू यू नो कि बोलते हैं कोई चैलेंज नहीं जी हमारे लिए, दैट्स ओके, विल जस्ट गो फॉर दैट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वे एंड यू नो किसको एड्रेस करना है। तो मैं वैसे सजेस्ट ये करूंगा कि ड्राइंग रूम में, एटलीस्ट ड्राइंग रूम में आप VRV विद दैट सेंट्रलाइज्ड एसी लुक, वो जो लंबे से डक्ट्स बन जाते हैं, या फिर आप कैसेट लगा लो और उसका एक सिस्टम हो गया, और इंडिविजुअल स्प्लिट्स लगा लो बेडरूम्स में, क्योंकि ये दिखने में अच्छे हैं और ये गेस्ट का एरिया है जैसे, या sure. और कभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ भी गई तो कम से कम आपके बेडरूम वाले एसी तो सर्विस करने आसान है। That is a point. That is थोड़ी कॉस्ट जरूर बढ़ जाएगी क्योंकि फिर आपको वो सेंट्रलाइज यूनिट भी लेना है और दूसरा भी लेना है। बट क्योंकि अब ये बहुत सारी बिल्डिंग्स में हो रहा है और वो ज्यादा खूबसूरत है, इट लुक्स प्रिटी, यू नो, सो आई वुड डू दैट। हैविंग सेड दैट, डजंट लुक बैड। इसमें you've chosen that golden strip which right. goes with this, which goes with these partitions again, which are again that golden kind of look. अब ये भी ऐसी चीज है बड़ी पर्सनलाइज है, कोई इस पे मर मिटेगा कि बहुत ही अच्छी है और कोई कहेगा यार ये क्या करती है, बड़ा लाउड है। पर इनमें अच्छा क्या है, इनमें स्क्रूज लगे हुए हैं, सो इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन टेक इट ऑफ, यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर आल्सो। आई थिंक इट कैन बी, यू कुड, वी वेंट इन फॉर स्पेसिफिकली मैट ब्रास. There's actual brass and in a matte finish. To me it looks good by the way. Yeah. Right. So this is what is really in trend. आप Kamilias वगैरह apartments देख रहे हैं आज की डेट के अंदर हो रहे हैं। We being in luxury residential, our aim was not to go make a thing tacky. But also आपने Kamilias में apartments पे काम किया? We do a lot of work there. कितने apartments में क्या हुआ? I think if I'm not wrong, 35+ apartments in Kamilias for wood floorings. Okay. So which is good, but you are exposed to all that then. Okay. Yeah. So our clientage is basically luxury residential. So we know what is going there. We are working with top designers across the country. We are doing projects in Nepal and Bhutan. So we know, you know, how the luxury client thinks. So our idea was to create something like that. So good. You've used mirrors also in between. वो अच्छा लग रहा है। और एक बार ना किचन में चल लेते हैं। एक sure. इनका फ्रंट का बेडरूम है, बड़ा अच्छा है, अभी वहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग चल रही है। एंड दिस बिल्डिंग इज बाय द वे स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा कहीं गंदा होगा, कहीं कुछ होगा, इट स्टिल रिक्वायर्स अ फ्यू फिनिशेस, डोंट माइंड। सो किचन के बारे में भी हमने जब डिज़ाइन कर रहे थे तो आर आर्किटेक्ट सजेस्टेड अ वेरी गुड प्लान जो हमें बहुत पसंद आया इसके अंदर। वन ऑफ द कॉमन कंप्लेंट्स इज दैट यू नो, और कॉमन सिचुएशंस इज कि जब आप एक अपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हो फ्लैट में, तो व्हाट यू सी इज कि किचन आपका सामने होता है, मेन डोर एंट्री के सामने, राइट? तो अच्छा भी लगता हो। तो सब सिर्फ जो हाउस लेडी है उसके ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि गेस्ट अगर आ रहे हैं और वो शी इज वर्किंग इन द किचन एट दैट टाइम, सो शी नीड्स टू रियली कीप इट टाइडी, which is not possible at times because you know जब आप काम करते हैं you can get things get messed up. So अगर हमारा ये kitchen अगर आप देखेंगे तो side से ये kitchen जा रहा है. If somebody enters, जब वहाँ से कोई enter करता है, एक बार वहाँ से दिखाते हैं. There is some cleaning going on. Don't worry about it. So right. अगर कोई आता है तो वो यहाँ से आएगा. वो यहाँ से आ रहा है. तो जब वो आएगा तो उसको वहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा. यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर साइड में आप अगर लॉबी यहाँ पे basically this could be a lounge. You're not seeing the kitchen. Yeah, you're seeing things which are nice, which can be maintained. So, वो आया और वो कोई उसको वहाँ पे ले गया अपने ड्राइंग रूम में, है ना? तो यहाँ वाला एरिया, हाँ जी, ये कह रहा है, हाँ जी, तो ये पूरा एरिया नीट एंड क्लीन दिखेगा। जैसे किचन की तरफ हम जा रहे हैं तो वी आर जस्ट एंटरिंग फ्रॉम हियर, तो दिस पैसेज सामने फ्रिज आ जाएगा। हाँ, बट सो वी हैव अ लॉट ऑफ काउंटर स्पेस। हाँ, लुक एट द डिटेलिंग ऑन द, ये जो डिटेलिंग है सारी की सारी सीलेंट जो बाहर आपने देखा था। हाँ हाँ, तो अच्छा वही बैकस्लैश है तो यहाँ मटेरियल, हाँ जी हाँ जी, सेम सारा बैकस्लैश है, तो यहाँ पे वॉशिंग वगैरह ये चीजें पड़ी हैं, तो पीछे की तरफ पानी अंदर जाके जो कैबिनेट्स खराब होते हैं आपके वो वहाँ से होते हैं। सो दिस इज वेरी नीट बाय द वे, दिस एंड दिस इज same and it looks gives a very good look. Right. The kitchen is fairly large for a 350-360 yard. So it's like a lot of counter space, working space. And as I said that हम storage का बहुत ध्यान रखा, तो we just up the storage right up to the top. Wow. Here, that's a lot of storage. So there's enough storage. There's storage here. There's storage on that side. So there's tons of storage. I can see my mom calling me, यार ये निकालियो ऊपर है, but fine. अच्छा और यहाँ पे अंदर इसके नीचे जो लाइट फिटिंग में दे दी, this is हाँ जी तो काउंटर टॉप पे you have enough light to work. This is all soft close. Some of them. Yes. ठीक है, this is soft close यार. बाकी ये आपने फेबर वगैरह का यूज किया, very good looking equipment. So we try to make it elegant, yet not really go overboard where it was not needed. ठीक है और थोड़ा glossy है तो it's easier to clean I think ये सब जो है ना. Yeah, it just looks nicer. So it's a combination of gloss and matte. Agar aap ye dekhiye, all these subs are very matte. All the polyurethane is matte. There's a laminate which is textured laminate. इसमें Boston resistor technology कहते हैं. अच्छा. Despite being laminate, what it makes, अगर आप इसको side से देखेंगे, एक angle से, makes it look like real wood veneer. Okay. This is laminate. This is not veneer, but this is more expensive laminate. Okay. और पीछे भी आपने balcony से attach किया हुआ है, तो this is a good idea because Right, so you have your washing, you know, your washing area, all those things. आपका area आ गया separate, basically यहाँ पे. The staff could be working inside, they could come out and do the washing here and सब dry it here. ACs भी वहाँ पीछे चले गए सारे के सारे. Right. और so this is good. Kitchen को यहाँ लाना. कई बारी क्या लोग ना builder floor में जैसे बीचों बीच बनाते हैं ना kitchen. जी. तो वहाँ पे ये चीज़ आप नहीं कर सकते. Idea मतलब कोई नहीं रहता है. वहाँ light भी नहीं आती natural. हाँ और उसके भी शायद कुछ benefits हैं but this is definitely from functional point of view. I think we just worked it कि भी maximum space कैसे निकाल सके हर space की हर location की अपनी limitations होती है. और kitchen आपने बहुत बड़ी बनाई है वैसे. South Delhi में 300 गज में इतनी बड़ी kitchen नहीं होती. मतलब ये वही coverage है 300-350 में coverage तो same ही है. I think एक bedroom यहाँ थोड़ा सा आपने छोटा किया है जो थोड़ा सा बड़ा हो सकता था अगर kitchen छोटी की जाती. But that is a right. So that was the fourth kind of a you know extra space जो थी वो basically could have been converted to study or a guest room. बट अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल फैमिली अगर रूम देखें तो 3 बेडरूम्स बहुत अच्छे खुले साइज के हैं. इसमें 2 मास्टर्स हैं. कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ्स तो आपको करने भी पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि सारा कुछ 300 गज में भाई कहां से लाओगे. सो किचन आपका 365 दिन यूज होना है. हां राइट. सो वी सॉ दैट एक बेडरूम नॉर्मली गेस्ट होता है, छोटे बच्चे का होता है कुछ राइट. चलो बेडरूम में चलते हैं एंड आई थिंक दिस इज द सेकंड मास्टर आई वुड से है ना राइट. एक जो मेन मास्टर है वो अभी हमने देखा नहीं है, वो देखना है. ओवरऑल फ्लोर वाला बड़ा अच्छा है. So this is a big enough bedroom, I would say, with very nice, you know, moldings and everything. And right. So you notice we kept the color theme in the whole apartment very simple, subtle, and common. This is the binding element. So you'll see the exact same paint, monochromatic tone in the entire. And not totally white. This is slightly greyish. So I think maintenance bhi thodi si easier to maintain, yet looks very elegant. So combined with real wood, you know, teak. चौखट इसके अंदर ये लगी हुई है सारी की सारी. टीक चौखट लगी हुई है ये. ठीक है जी राइट. अच्छा मुझे तो लगता था टीक कहीं लगता ही नहीं है अब तो. सारे बस फ्लश डोर से लगा रहे हैं सारे लोग. हाँ तो फ्लश डोर हो गया. आपकी चौखट अलग चीज़ है. तो सॉलिड वुड की चौखट है जो. अच्छा सो चौखट ऑल्सो आर डिफरेंट काइंड्स. तो अच्छा ठीक है तो इसको कवर कर लेते हैं एक्चुअली बिकॉज दिस इज आई ओपनिंग फॉर मी. आई थॉट इस पर बोर्ड लगा होता है ऊपर वो लैमिनेट या विनियर विनियर वो भी होता है. सो दे आर डिफरेंट वेज. सी एनीथिंग कुड बी डन वेल, एनीथिंग कुड बी डन यू नो बैडली. तो ओके सो वी चूज सॉलिड वुड बिकॉज सॉलिड वुड को आप जितना मर्जी आप रीफिनिश कर सकते हैं ओवर द इयर्स. जब भी आप देखेंगे देयर इज इनफ वुड देयर. ये तो बहुत महंगा नहीं पड़ता. इट इज देयर इज सो कॉस्ट अगर टोटल देखेंगे तो उनमें बहुत यू नो डिफरेंस होता है. बट वी वांटेड टू मेक इट नाइस. ओके नो इंटेंशन. वेरी गुड. आई कांट टेल ये बोर्ड है उसके ऊपर लैमिनेट है क्या है बट अब आपने बोला तो ऐसा लग रहा है हाँ यार ये तो लकड़ ही लग रही है. सो जब दोनों चीजों को साथ में देखेंगे इमीडिएटली यू विल बी एबल टू सी. ओके और हम ट्रेड से हैं तो हमें पता चलता है. राइट राइट. ओके बाथरूम को देखते हैं. ये वार्डरोब्स जो हैं दे लुक वेरी गुड टू मी. ये फ्लूटेड ग्लास आपने लगाया हुआ है और ग्लास मेरे ख्याल से इसलिए कि वो मॉइस्चर से खराब खरूब हो जाती है लकड़ी वकड़ी. इट लुक्स वेरी एलिगेंट बट आज का डेट में ट्रेंड है व्हेन यू सी प्लेन ग्लास आल्सो. हाँ लेकिन प्लेन ग्लास में क्या होता है कि द मोमेंट लाइट्स अंदर की जलती हैं तो आपका अंदर का भी सब यू नो दिखना शुरू हो जाता है. राइट. सो फिर वार्डरोब अगर टाइडी ना हो अंदर जो कभी नहीं होती जो आई मीन हाँ कभी नहीं होगी. लेट्स बी प्रैक्टिकल. सो इन दिस केस फ्लूटेड में यू हैड द एलिगेंस ऑफ ग्लास येट आपको अंदर का नजर नहीं आ. सो दिस इज गुड. वन थिंग आई नोटिस्ड ऑलरेडी बिकॉज आई टुक वन लुक एट दिस. सो इस बाथरूम के अंदर स्पेसिफिकली बिफोर आई गो ऑन, आई मीन बहुत अच्छा सा काम हुआ है, ये टाइलिंग का वर्क है, आई कैन सी वेरी ब्यूटीफुल। मैं आया तो मुझे पहले लगा कि शायद पत्थर है या टाइल, आई हैड टू रियली सी, बट देन व्हेन यू सी दैट यू कैन, आई कैन मेक आउट कि ये टाइल ही है, पर बड़ा अच्छा से काम हुआ, कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अब जैसे हमारे यहाँ पे साउथ दिल्ली में जो स्टैंडर्ड है और शायद गुरुग्राम में भी थोड़े से और हाई एंड अपार्टमेंट लोग पत्थर ही लगा रहे हैं, है ना। और आई अंडरस्टैंड पत्थर का काम बहुत महंगा है, टाइल का बहुत भाई फ़र्क आ जाता है, और शायद मुझे चूज़ करना हो जो बाथरूम में किसी ने नहीं आना, मैं भी शायद टाइल यूज़ कर लूँ क्योंकि सस्ती है और शायद मेंटेन करने मुझे लगता है मच ईजियर है। पत्थर 4-5 साल में शाइन चली जाएगी या जो भी, इनको जैसे मर्जी 2-2 साफ कर दो। तो आपने ये टाइल क्यों चुनी, मतलब वाई यू थॉट ऑफ इट कि मार्बल लगाया? राइट, सो वी थॉट ऑफ इट, वी लुक्ड एट एवरी एलिमेंट इन फैक्ट कि हमारा कॉस्ट पे ओवरऑल पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। सी अल्टीमेटली द कस्टमर हैज टू बियर द कॉस्ट ultimately, ठीक है। सो व्हेन वी सेल प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग एट अ मार्जिन देयर। सो वी वर, एज आई डिस्कस बिफोर, हम हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन लिया। फॉर एग्जांपल, इफ यू कुड सेव समथिंग हियर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फंक्शनैलिटी एंड द एस्थेटिक, वी वुड लाइक टू स्पेंड इट। मे बी यू नो वी स्पेंट मोर ऑन द वुड आउटसाइड, वी स्पेंट 5 times मोर देन it was building space. We knew the elegance between a WPC and a wood in the long run will be hugely different. So we chose, you know, at some places to cut costs and invest that in other places. तो ये cost cut हुई है। Comparatively yes. कितना फर्क होगा कोई पत्थर लगाए, यही same पत्थर या यही same tile, मोटा in terms of percentage में भी, और how many times? So between 3 to 4 times broadly. तो मतलब अगर इस पे हम 150 रुपए लगाएंगे तो उस पे हम 450 से 600 रुपए लगा देंगे। Roughly depend करता है लगने के बाद design and all those details. Roughly ये 100-150 लगा लो तो वो 500-600 लगा लो, 400-500 लगा लो, राइट, ठीक है, which is a huge difference, I mean, given the market, but it is very nicely done and all that. एक चीज ये है कि आपने जैसे यहाँ पे ये लगाया गीजर, एक बाथरूम में तो ये बाहर है। If I was a buyer, I would not like it here. I would like it outside. I don't mind it so much, but if it can be, I would like it outside. अंदर करने का कोई रीजन है? Right. So जहाँ हमें लग रहा था कि कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, there we chose to keep it inside. As I said, once again we were looking at practicality and cost for the customer also. In your next building, would you put it inside or outside? It depends again where we are building, what price we want to, you know, target. That's all. But these are अच्छा, Aerosmith. So Aerosmith, all specs are like top specs. Yeah, right. Which is very good, very right. ठीक है। और जो यहाँ पे आपने मिरर का काम किया हुआ है, this is very nice. I think I've seen it elsewhere also. But this big circle के बीच में, you know, मतलब बीच में भी नहीं है, थोड़ा सा साइड में, you know, right. So this mirror work I really like with these 2 lamps, right, hanging on the way. You know, it's not so much of आपने पैसे कितने लगाए, आपने ये क्या किया, it's more a combination of ये है कितना अच्छा जा रहा है, ये सारा कलर स्कीम सारी ना आपस में बड़ी अच्छी जा रही है, right. मेरे को I can see myself living here, you know. So these are important. Sometimes I've seen क्या हो रहा है कि बिल्डर ने बहुत पैसा लगाया हुआ है, दूसरे से ज़्यादा लगाया और उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जीरो लग रही है, पैसा ज़्यादा लगाने के बाद भी, क्योंकि यू नो, और ये अक्सर होता है जब ओनर्स अपनी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कहते हैं हम बेस्ट चीज़ लगाएंगे, पर वो चॉइसेस में मारे जाते हैं, या वो डिज़ाइनर नहीं हायर करते हैं, या एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑफ कोर्स दे वर थिंकिंग मैटर करेंगे, पैसे उन्होंने सच्ची में ज़्यादा लगाए होते हैं, बट यही कहीं वो मात खा जाते हैं। जैसे आपने कोलर का लगाया, आप कोलर से बहुत महंगा वाला भी लगा सकते हो, बट दिस इज लुकिंग परफेक्ट, ब्यूटीफुल, लॉट ऑफ वारंटी, एवरीथिंग इज फाइन, कोई। सो इसमें हमने चूज़ किया प्रोडक्ट ये देखते हुए कि कल को अगर कस्टमर को सर्विस की जरूरत पड़ती है तो कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं विच आर नोन इन द मार्केट, जिनकी सर्विस बहुत फास्ट है। तो इनमें किसकी अच्छी है? कोलर इज़ गुड। हाउ अबाउट जैसे ड्यूरावेट आता है, ग्रोहे, हैंड्स ग्रोहे? सो ऑल ऑफ देम आर गुड इन टर्म्स ऑफ विलरॉय एंड बॉक। सो दीज आर प्रीमियम ब्रांड्स, यू जस्ट, यू नो, जो आप भी प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, सो ऑफकोर्स सबसे पहले आप चीज़ देखोगे आपको पसंद क्या आ रही है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कोलर देख रहा हूँ, अगर उनको पसंद ही नहीं आ रहा तो आई, यू नो, स्टार्ट लुकिंग अराउंड। सो देन देयर इज प्राइस, देयर इज व्हाट यू लाइक, देन देयर इज ऑफ कोर्स प्रैक्टिकलिटी, सर्विस कैसी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसी है, कोई जरूरत पड़ जाए सर्विस कराने की तो वो क्या चार्ज करती है कंपनी, कितनी स्पीड से आते हैं। सो वी लुक एट मेनी फैक्टर्स, ठीक है। हाँ, अगर आप डिटेलिंग भी देखोगे, आवर लॉट ऑफ एफर्ट वाज ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। अगर आप ये नीचे देखिए, लुक एट हाउ द नीटनेस ऑफ द सीलेंट्स, this is properly sealed, right. So we are at the finishing stages right now. Snagging हो रही है सारी की सारी, we are checking each and every detail, जहाँ हमें लगता है कि कहाँ थोड़ी सी कोई कमी है तो हमारी अपनी आँख ही क्रिटिकल है। कोई स्नैग दिखाओ, अभी कोई पकड़ा आपने स्नैग? जैसे छोटे डिटेल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ नहीं है अभी इस समय, जैसे सीलन ठीक से नहीं है पाएगा, अच्छा अभी स्नैग है जिसको हम एग्जाम्पल की तरह दिखा सकें कि भाई हाँ, राइट। सो अभी जैसे हमारी बाहर की विंडो की जो सीलेंट है वो फिनिश नहीं है पूरा, क्योंकि अब इन्होंने हैंड ओवर किया, एक वो दिखा देंगे, हाँ, तो वो दिखा देंगे। हाँ, तो आइडियल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको फिनिश करने की जरूरत है। चलो अब ये हमारा फेवरेट रूम है, वुडन फ्लोरिंग वाला रूम है, सतिंदर की स्पेशलिटी है। सो अभी साफ होने वाला है बट अभी साफ ऑफ नहीं हुआ, बट वी डोंट रियली माइंड, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी स्टिल। सो हमने अभी लेमिनेट फ्लोर यहाँ पे यूज किया है, लेमिनेट किया है जी। सो वी कुड हैव गॉन फॉर इंजीनियर्ड आल्सो बट द कॉस्ट अगेन इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर इन एन इंजीनियर। सो एज आई सेड दैट वी रियली हैव टू लुक एट के व्हाट ऑडियंस आर वी एड्रेसिंग एंड व्हाट प्राइस पॉइंट वी वांट टू कीप फॉर द बिल्डिंग। तो अकॉर्डिंगली हमने चूज किया है, बट लेमिनेट के अंदर भी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैरायटी। नहीं, पर लेमिनेट में भी मैंने देखा है 20-25 करोड़ के फ्लैट्स हैं, बिल्डर फ्लोर्स हैं साउथ दिल्ली में, उसमें लेमिनेट लगा रहे हैं। श्योर, आई मीन इफ आई वर मेकिंग अ फ्लैट ऑफ दैट बजट यू नो आई वुड ट्राई टू यूज इंजीनियर्ड, ओके, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस नाउ। अगर मैं, बिकॉज बीइंग इन द ट्रेड आई नो, जो आज की डेट में बढ़िया घर बन रहे हैं प्राइवेट रेजिडेंशियल, 95% ऑफ द मार्केट इज रियल वुड, इंजीनियर्ड इज रियल वुड। ओके ओके, बट इज दिस नॉट लाइक लेमिनेट इज नॉट मोर लाइक ईजियर टू मैनेज, खराब नहीं होता? नहीं, सो दिस इज अ मिथ। इंजीनियर्ड फ्लोर्स आज की डेट में जो बढ़िया बन रहे हैं सारे के सारे, सो दे आर लाइक एज इजी टू मेंटेन एज अ लैमिनेट। देखो इन्होंने इंजीनियर लगाया नहीं है, लगाया लैमिनेट है, तारीफ इंजीनियर की कर रहे हैं। सो मेरा पर्पस तारीफ करना नहीं है, मेरा पर्पस आपको फैक्ट बताना है। नहीं ठीक है, चॉइस है यू नो कस्टमर्स की। इफ समबडी कम्स इन एंड सेज कि यार मेरे को इंजीनियर चाहिए, ऑफ कोर्स वी कैन रिप इट ऑफ एंड यू नो पुट इंजीनियर देयर, यू जस्ट हैव टू पे फॉर इट। सो दिस यू डिडंट डू बिकॉज दिस वुड हैव बीन मच मोर एक्सपेंसिव। पर अगर हम लैमिनेट की भी बात करें तो लैमिनेट में भी बहुत रेंजेस है, मैंने सुना ह्यूज वैरायटी। बाजार में 100, 125, 150 रुपए फुट से माल शुरू होके जो बेसिक मटेरियल आते हैं लग लगा के यू नो आपके 500 रुपए स्क्वायर फुट तक के लैमिनेट्स हैं हमारे पास। हमारा फोकस फ्लोरिंग में यू नो अपना बिजनेस है, तो लग्जरी रेजिडेंशियल पे है, तो वी रियली डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन के कौन सा मटेरियल कैसा है। तो हमारे पास जो लैमिनेट फ्लोर्स भी हैं वो भी लगने के बाद 500 रुपए स्क्वायर फुट के लैमिनेट। ये 500 वाली रेंज है भाई, ये लग के आपको 350-400 रुपए। एग्जाम्पल के लिए जो स्कर्टिंग्स हमने यूज करी हैं, सॉलिड वुड स्कर्टिंग्स यूज करी हैं आपको मार्केट में। अच्छा, वो सॉलिड वुड है, सॉलिड वुड की स्कर्टिंग है। द रिचनेस ऑफ अ सॉलिड वुड स्कर्टिंग इज वेरी डिफरेंट, ओके राइट, एज कम्पेयर टू पेपर बेस्ड स्कर्टिंग्स जो मार्केट में मिलती हैं। सो आम कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि कैसे चेंज हो गया, बट द मोमेंट जब आप सामने चीज को देखते हैं यू जस्ट फील दैट इट इज मोर लग्जूरियस, ये परसीव करोगे आप, राइट। सो मेरे को तो ये इंजीनियर वुड ही लगा था वैसे, तो वो सॉलिड वुड है। और ये अब ये भी जो है इसमें भी ना जैसे ये रेशे हैं, दिस इज लाइक लुकिंग लाइक वुड। Yeah. और ये जैसे रफ है, जैसे इट्स नॉट दैट प्लेन लेमिनेट जो 100 रुपए वाला आप कह रहे हो, शायद वो तो मैंने देखा हुआ है, राइट। ये थोड़ा हाई रेंज होगा। इसको टेक्नोलॉजी को एम्बॉस्ड रजिस्टर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें सिर्फ सिंस लेमिनेट एक सिमुलेटेड एक कॉपी है रियल वुड की, असली लकड़ी की आप फोटो खींचोगे, उसको कागज पे छापोगे और बोर्ड के ऊपर लगा दोगे, तो ये लेमिनेट फ्लोर है, सिंपल वर्ड्स में, राइट। सो अब इसको कैसे, जब मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो उसके दिमाग में है कि इसको कैसे मैं वैल्यू ऐड करूं, कैसे और बढ़िया बनाऊं। सिंस वो कॉपी कर रहा है रियल वुड को, तो उसकी एक चीज है कि अच्छा इसको कितना बढ़िया बना सकता हूं कि आम आदमी पहचान ना पाए। सो मोस्टली पीपल कांट मेक आउट अ डिफरेंस, बट देयर इज अ डिफरेंस। ओके, नाउ से इफ आई वाज बाइंग अ बिल्डर फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ बिल्डर एनीवेयर इन इंडिया, और आई वांटेड टू टेल हिम कि भाई अच्छा वाला लेमिनेट लगा दो, तो आप कह रहे हो ये अच्छा है, और बिल्डर तो कह रहा है मेरा अच्छा है। बिल्डर से पूछ लीजिए कौन सा ब्रांड यूज किया, गूगल अप दैट ब्रांड, उनके गूगल रिव्यूज देख लीजिए, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। पर जैसे 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 आपने ये लगाया और शायद ये 100 रुपये वाला नहीं है, 300-400 वाला है शायद जी, तो हाउ कैन आई इंश्योर कि वो अच्छा वाला लगाए? देखो मैं एज अ बायर इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहता ना बिल्डिंग में, चाहता हूँ बिल्डर मेहनत करे। और तो अगर मैं उसको कहूँ थोड़ा एम्बॉस्ड वाला चाहिए तो वो अपने आप महंगा हो जाता है, बेटर वाला हो जाता है वो। हाँ जी, सो आप बेसिकली आप देख लीजिए, वेरी गुड वे के नॉर्मली क्या करते हैं अच्छे बिल्डर्स, दे वुड पॉइंट यू आउट टू अ फ्यू वेंडर्स। अच्छा, कि अगर आप यू नो बेटर करना चाहते हैं तो प्लीज उनके शोरूम पे विजिट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ कोर्स द वेंडर इज गोइंग टू हैव मच मोर वैरायटी, मच मोर नॉलेज, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर देगा। बहुत सारे बिल्डर्स के साथ साउथ दिल्ली के अंदर यू नो दिस सिचुएशन हैपेंस, हम बहुत सारी जगहों पे चेंज कर रहे होते हैं फ्लोर्स। अच्छा, सो कस्टमर ने जैसे लिया एंड ही नोज कि अच्छा मेरे को लेमिनेट नहीं लगाना, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का पार्ट है, या ये बेसिक इंजीनियर नहीं लगाना, मुझे बढ़िया चीज़ लगानी है, तो दे वुड कम टू अस, आर्किटेक्ट के रेफरेंस से हमारे पास आएंगे या खुद गूगल सर्च करके हमारे पास आएंगे, एंड देन दे कम, दे अंडरस्टैंड, दे सी एंड देन दे पे अस। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स यू नो द बिल्डर्स आर पेइंग अस द डिफरेंस, तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, मेक सेंस, मेक सेंस। वैसे इस प्रॉपर्टी का व्यू बड़ा अच्छा है, घर छोड़ के वहाँ पार्क भी है, सो आई मीन, और ये निर्वाणा एज अ कम्युनिटी इज वेरी नाइस। आई फील लाइक लिविंग हियर एक्सेप्ट फॉर आई हैव टू ट्रैवल द होल डे। यहाँ से पार्क बड़ा मेंटेन्ड है, यहाँ सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है जी, रोड्स आर वेरी नाइस। एनीवेज लेट्स, सो जैसे हम आशु सीलेंट की बात कर रहे थे, राइट। सो जैसे फ्रेम है पूरा का पूरा, ये मीट कर रहा है आपका स्ट्रक्चरल यू नो इसको बीम को, तो इसको एल्युमिनियम को मेसनरी के साथ फिक्स होने में जब फिक्स करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ गैप हुआ, ठीक है, इसको कवर करना जरूरी है कि जो बाहर का पानी, बरसात, ह्यूमिडिटी है वो अंदर ना जा सके। इसको वेदर सीलिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। स्नैक क्या है इसमें? तो स्नैक जो है ये बेसिकली अगर आप फिनिश देखो हाँ। सीलेंट की फिनिश नहीं है, तो ये हैंड ओवर नहीं हुआ अभी हमारे को, जैसे ये क्रैक है यहाँ पे। हाँ, तो ये वेंडर ने अभी हैंड ओवर नहीं किया, तो उसने हमारे को हैंड ओवर करेगा, तो हम एक एक डिटेल को देखेंगे ये पूरा डन है कि नहीं। तो अभी आप इसको सीलेंट से पूरा सील कर दोगे? हाँ राइट, तो वेंडर हमारे को सील करके देगा इसको। ऐसे छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, छोटी चीजें ध्यान रखने में, उनको मालूम नहीं है। ये बाथरूम है इसका, लॉट ऑफ स्टोरेज देयर व्हिच विल कवर इन अ सेकंड। लेट अस फर्स्ट सी द बाथरूम। अब इसके अंदर आपने पत्थर लगाया हुआ है ना जी, सो दिस नाउ इज ऑल स्टोन। तो यहाँ पे आपने ये पत्थर लगाया है ना, एंड दैट टू आई थिंक वेरी वेरी गुड क्वालिटी। इसमें ये ग्रूव्स भी दिए हैं, दिस मेक्स इट लुक इवन नाइसर। आई लव दिस दैट यू नॉट डन इट लाइक ब्लैक और समथिंग, दिस लाइटर कलर्स लुक सो मच मोर बेटर। शीशे के पीछे आपने लाइट दी हुई है, मिरर वर्क अच्छा है। सो अंडरस्टेटेड एलिगेंस वाज द कांसेप्ट दैट वी फॉलोड ओवर हियर। अगेन वी डिड नॉट वांट टू ऐड टू मच ब्लिंग, बट इफ यू स्टिल सी इट्स अ वेरी मैट ब्रास फिनिश हियर, ये भी थोड़ा सा आपने स्लाइटली ग्लॉसी गोल्ड ओवर हियर, इन कंट्रास्ट विद अगेन अ वेरी लाइट ग्रे ऑन द काउंटर टॉप हियर। सो व्हाइट, दिस ओवरऑल द थिंग लुक्स एलिगेंट येट नॉट वेरी ब्लिंगी। हां राइट, आई एग्री, दिस इज नॉट वेरी ब्लिंगी। यहाँ से विंडो आ गई, इस पे लाइंस टाइप आ जाएंगे जी। आई लव द फैक्ट दैट यू गिवन अ बेंच। आई वाज कवरिंग दिस इन अ रीसेंट वीडियो आल्सो, कि यू नो यू वांट टू सिट डाउन, मे बी यू नो स्पेशली द लेडीज वांट टू रब देयर फीट और या यू नो, और समटाइम्स यू जस्ट वांट टू सिट डाउन एंड यू नो कट योर नेल्स मे बी और व्हाटएवर यू नो, और या जो भी है। सो इट्स जस्ट एन एडिशनल स्पेस, एन इशू दैट इज थॉट ऑफ, इट्स वेरी गुड। सो टॉकिंग अबाउट निशेस, इफ यू लुक हियर storage है इसमें काफी, right? So besides that storage, we've created this another small room here. So for example, if the house occupants वो घर में नहीं है, हाँ, right? And you have this small space for your valuables, so you can just lock this up separately and go away. Your maid और जो भी staff है आपका, they can come clean the area and go. एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है ना जी। और एक्स्ट्रा स्पेस है आपके पास, कुछ इसके अंदर आपने अपना लॉकर फिट कर लिया या व्हाटएवर यू वांट टू कीप, यू कैन कीप ओवर हियर, राइट? और राइट, सो मोर स्टोरेज। अगेन देखिए आप, सारी सीलिंग हाइट तक हमने स्टोरेज ली, उसमें लॉकर आ गया, यहाँ पे भी एक लॉक है, तो काफी कैश यहाँ छुपाया जा सकता है। वो इंटेंशन नहीं थी, नहीं आईडिया वाला। मैं तो, मेरे पास तो पता नहीं कैश क्या होता है, किसी ने बताया कि बाहर, तो मुझे ऐसा लगा। एनीवेज, तो ये वार्डरोब्स काफी अच्छी हैं, लॉट ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे आपने फ्लोटेड नहीं यूज किया, वहाँ कह रहे थे कि फ्लोटेड में, राइट? सो वी वांटेड इन वन स्पेस टू गिव दिस वेरी एलिगेंट, इट लुक्स वेरी प्रिटी, सो वी जस्ट थॉट दैट लेट्स जस्ट गिव ओनली वन वार्डरोब लाइक दिस इन द होल थिंग, सो इट इज मच इजियर टू मेंटेन। अगर किसने रखना है तो इसको नीट टाइडी रख सकते हैं, बाकी सब कुछ आपका हिडन है वार्डरोब के शटर के अंदर, ठीक है? इसके ऊपर ये प्रिंटेड है, तो हट जाता होगा, ये हटेगा। तो इसके अंदर becomes like one of those wardrobes। और ये बाथरूम बहुत बड़ा है, वहाँ वेंटिलेशन अच्छी है, तो यहाँ शायद इतना मॉइस्चर से वुड खराब होने का चांस भी थोड़ा कम हो जाता है ना, राइट? कंपेयर टू दी अदर बाथरूम्स व्हिच आर बैंड, देयर इज नॉट वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन आपकी ठीक रहे फिर कोई प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी नाइस क्लीन एंड सिंपल टेरेस यू क्रिएटेड। आई सी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर व्हिच आई वांट टू हाईलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ दिस इज मोर लाइक अ फीचर वॉल, इसमें कोई फाउंटेन वगैरह नहीं है। अगर होता है तो थोड़ा मेंटेनेंस भी होती है, उसका दिखने में अच्छा भी लगता है, और अगर नहीं है तो फिर मेंटेनेंस नहीं है। बट दिस इज अ फीचर्ड वॉल, इस पे लाइट्स वगैरह हैं, रात को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपने वो दिया है जैसे, राइट? सो वंस अ लैंडस्केप डिजाइनर स्टार्ट्स टू वर्क ऑन इट, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद हाउ यू वांट टू डेकोरेट दिस स्पेस फर्दर। वी आर जस्ट गिविंग दिस बेसिक स्पेसिफिकेशन ओवर हियर, ठीक है? एंड सो दैट अ कस्टमर कैन डिजाइन। नीचे आपने ये टाइल्स वगैरह दी हुई हैं जी। यहाँ पे कोई वाटरप्रूफिंग का काम भी करना होता है नीचे? सो ऑलरेडी डन। अच्छा, कैसे करते हैं, उसमें सीपेज ना है? सो दिस इज स्पेसिफिक कोटिंग, ओके, तो वो जो की जाती है। और जैसे लाइक ऑन ऑल थिंग्स यू नीड अ पर्सन हु नोज द जॉब एंड इज स्किलफुल इन डूइंग दैट, यू कैन डू। अगर कोई असली घास लगाए, तो मैंने सुना है उससे सीपेज आई जाती है, ये सच है या नॉट नेसेसरली? हमने प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, बट वी आल्सो डू वेरी ब्यूटीफुल वुड परगोलास एंड ऑल, तो वी कीप डूइंग टेरेसेस। तो वहाँ अच्छे जब लोग काम कर रहे होते हैं, इट इज पॉसिबल टू डू इट, इट कॉस्ट बट इट पॉसिबल, ठीक है? एक आपने यहाँ पे, मैं देख रहा था, बड़ी अच्छी चीज़ की है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो टेरेस यहाँ पे जैसे लग रहा है कि एंड हो गई, एंड नहीं हुई है। यहाँ पे छोटा सी जगह एक और है, यहाँ पे सारे वो आ जाएंगे, सो प्लांट्स आ सकते हैं। दिस वाज डिजाइंड के अगर कोई लैंडस्केप करे इसको प्रॉपर्ली, सो देन यू कैन हैव इक्वल हाइट के प्लांट्स लेके, सो जब नीचे से जब आप देखेंगे लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ प्लांट्स आ गए, और यहीं पे जैसे वो भी है, वाटर का आउटलेट वगैरह है, वो भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सारे आप प्लांट्स लगा लो, प्लांट्स लगा सकते हैं। वाटर आउटग्रेस का वहाँ से गटर ओवर देयर। हाँ, और घर वालों में जैसे कभी कभी फैमिली में बड़ी रिक्वायरमेंट होती है छुप के सिगरेट पीनी हो तो यहाँ नीचे बैठ के पी लो पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आई डोंट सपोर्ट स्मोकिंग, आई डोंट स्मोक एंड ड्रिंक, सो जस्ट सेइंग। एनीवेज, सो जोक्स अपार्ट, दिस इज अ नाइस ब्राइट आइडिया कि वहाँ पे थोड़ा प्लांट्स के लिए अलग से कर दिया। अंदर भी रख सकते हो आप, लगे हुए अच्छे लगते हैं। श्योर। फिर यहाँ एक बार है और एक फिर पर गोला भी है। तो ये आपने साइड में जो सारा बनाया, ये सीटिंग स्पेस बनाया है। सो बहुत सारी स्पेस हमने दी। हमने देखा कि अगर खाली भी छोड़ सकते थे हम इसको, बट वी जस्ट थॉट दैट देयर विल बी मच मोर यूटिलिटी। इफ यू हैव गेस्ट कमिंग ओवर, इट इज अ प्लेस फॉर कीपिंग योर डिशेस। वन कैन हैव अ कैजुअल सिटिंग ओवर हियर। इसमें कुशंस भी आ जाते हैं। वन कैन बी वेरी क्रिएटिव अबाउट दिस होल थिंग। देयर इज अ काउंटर ओवर हियर, काउंटर के पीछे देयर इज एनफ स्पेस वी हैव गिवन। सो यहां बाहर आ गए, सो यू कुड पुट सम स्टफ हियर। सो यहां पे यू कैन डू ऑल दैट स्टफ। देयर इज लाइटिंग ओवर हियर रात के अंदर, सो इट लुक नाइस। देन वी हैव गिवन स्पेसिफिक स्पेस यहां पे हमने दिया। और यहां देखते हैं, राइट, सो देयर इज मोर स्पेस ओवर हियर फॉर क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड ऑल। अच्छा, वहां पे एक सिंक दे दिया, वहां पे यूटेंसिल्स आ गए। तो और यहां पे भी एक बड़ी सी बैक, आप यहां का यहाँ पे भी बड़ी सी बालकनी है। या तो यहाँ छुपना हो तो आराम से है। वहाँ मतलब वहाँ थोड़ा बैठना पड़ रहा था, तो अगर घुटनों में किसी को प्रॉब्लम है और छुपना है जैसे, तो वो यहाँ के ऐसे कर सकता है। ठीक है, यंगस्टर्स के लिए अच्छा एरिया है पीछे। नहीं, सो ये पगोला है। पगोला को हमने ऊपर से कवर किया। सो इफ बारिश हो रही है, आप बाहर बैठना चाहते हैं, तो यू हैव स्पेस ओवर हियर। यू कैन पुट आउटडोर फर्नीचर हियर एंड डू अदर स्टफ। राइट, right, some people are also making a glass room, but I think that people can do if they want. It's very not very practical, no, garam itna zyada. So agar wo garam karte hain, then of course that's a consideration. Aapko you'll have to air condition it, but since the basic structure is here, you can do whatever you want. theek hai, iske andar bhi kuch sealant villain dala hua hai taki niche grouting hoti hai ji। grouting ke andar jo material dalte hain, grouting has to be good. this part is called grouting. grouting exactly kya hoti hai? so jo tile ke beech ka gap hota hai, usko cover karne ke किस चीज़ से होता है? सीमेंट से। सो देयर आर ग्राउट्स, केमिकल्स आते हैं स्पेसिफिकली ग्राउट के लिए। दोज आर इम्पर्वियस टू वाटर एंड यूवी भी होता है। सो इवेंचुअली दिस इज आल्सो मेंटेनेंस थिंग ओवर द लॉन्ग रन। इम्पर्वियस मतलब वो पानी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। पानी क्रॉस नहीं। सो यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर कि नीचे तक पानी ना जाए उसका।